बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आर? आई होप कि आप फाइन होंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू आर इंग्लिश लेसन। तो कल हमने पढ़ा था रेनबो में, पोइम थी हमारी, उसका नेम था द रेनबो। आज हम उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो ऑल ऑफ यू जस्ट ओपन योर बुक्स एंड कम टू पेज नंबर 9। ओपन, गुड। एक्सरसाइज ऐसे क्वेश्चन आंसर है, वो इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। रिटर्न टास्क हम करेंगे अपने नोटबुक पे। तो जस्ट अभी आप अपनी ले लें ब्लड पेंसिल या पेंसिल्स, तो अभी हम कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो वो देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर दे फाइंड दीज वर्ड्स इन द पोइम। आपने इस जो है साथ में स्टोरी बता दी है, इससे आपने गैस करके पोइम से एक वर्ड ढूंढ के यहाँ पे आपने लगाना है कि कौन सा बेटर लुकिंग पोइम। जो की जो पोएटेस थी, तो उसने क्या बोला कि सबसे अच्छा क्या दिखने में लगता है हमारी ज़मीन में, वो सब कुछ हमें, हम बोर्ड को देखें सेल करते हुए, हम ब्रिजेस को देखें, लेकिन हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे अच्छा क्या था, उसने बोला रेनबो सभी से अच्छी मुझे लगती है प्यारी। बेटर लुकिंग में क्या लिखेंगे आप, रेनबो का स्पेलिंग लिखेंगे, वो जो आपका टॉपिक भी है, आर ए आई एन रेन बी ओ डब्ल्यू, बेटर लुकिंग का क्या हो जाएगा, रेनबो। नेक्स्ट देखें, द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, कौन सा प्लैनेट हमारा, यस अर्थ। ई हमेशा इसका कैपिटल होगा, ई ए आर टी एच, अर्थ। डन। इट इज बिल्ट टू क्रॉस ओवर अ रिवर, ऐसी चीज जो बनाई जाती है रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो वो क्या है, ओवर अ रिवर। एक होता है ना कि रिवर को दरमियान से गुजर जाए फिर तो हम बोट भी ले लेते, तो ओवर अ रिवर, सॉरी ओवर अ रिवर मीन्स कि रिवर के ऊपर से हम जिससे गुजर जाए तो वो क्या होता है आपका, ये ब्रिज। ब्रिज के स्पेलिंग भी यहाँ पे ये है, डी इसमें साइलेंट होता है, बी आर आई डी जी ई, ब्रिज। नेक्स्ट है, वी कैन सेल इन दीज, हम सेल होता है कि वो उसे चलाना उसके अंदर, तो आयरन शिप सेल ऑन द सीज। और उसी तरह क्या है हमारी बोट, हम क्या लिखेंगे सेल कौन में, क्या क्या कहाँ हम करते हैं अपनी जो बोट और रिवर्स हैं, तो वो हम करते हैं किसमें, रिवर में और सीज में, आर आई वी ई आर, रिवर एंड सीज, एस ई ए सी। वाइट एंड फ्लफी इट फ्लोट्स इन द स्काई, आप स्काई की तरफ देखिए आपको वाइट एंड फ्लफी क्या नजर आएगा, तो वो होंगे आपके क्लाउड्स, सी एल ओ यू डी एस, क्लाउड्स। नीचे देखें, हम मैंने बोला जैसे एक वर्ड होता है जो टू वर्ड से मिलकर, जैसे देखें रेन एक वर्ड है, बो एक वर्ड है। रेन क्या होती है, बारिश, बो होता है बैंड होना, तो बारिश के बाद जो ऐसे बैंड होकर ऊपर आती है उसको बोलते हैं रेनबो। रेन का अपना मीनिंग है, बो का अपना मीनिंग है, उन दोनों को मिलाएं तो एक न्यू वर्ड बन जाता है, वो होता है रेनबो, मीन्स उसको हम बोलते हैं धनक। इसी तरह यहाँ पे देखें पेज नंबर 9 पे नीचे टू वर्ड्स दे दिए, दोनों के डिफरेंट मीनिंग है, अगर हम उनको दोनों को मिला के बोलें तो एक नया वर्ड बन जाता है। अभी हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे देखें ओवर, ओवर होता है मीन्स कि जैसे ये था कि ओवर द ब्रिज, ब्रिज को उसे क्रॉस कर देना, यहाँ पे ये मीनिंग यूज हुआ था। और टॉप है, दोनों को मिला के बोलेंगे मीन्स बन जाएगा ओवर टॉप, तो ये एक न्यू वर्ड है। इसी तरह यहाँ पे एक बना दिया उन्होंने ट्राइंगल, दे दिए रेक्टेंगल, ए वाला ब्लॉक है और इधर, इन दोनों में देखेंगे हम इधर से एक वर्ड लेंगे और बी ब्लॉक में जाएंगे, वहां से एक वर्ड लेंगे और न्यू वर्ड बनाएंगे। तो आप इसके नीचे ही बेशक लिख लें, ये देखें हेयर, हेयर का देखें इसे मिलता जुलता, कभी हुआ हेयर रूम, बालों वाला कमरा कभी हुआ, नो। हेयर कर्चीफ हुआ कभी, नो। हेयर मेकर भी नहीं होता, तो हेयर पिन, हेयर किसके जाएगा, साथ जाएगा हेयर पिन। इसके साथ ऐसे इसको लाइन लगा दें या आप इसके साथ वन लिख दें, ठीक है। पोस्ट, पोस्ट रूम नहीं, पोस्ट मेकर, पोस्ट कार्ड, पोस्ट के साथ भी लाइन लगा दें या अपने नीचे ऐसे आप, अगर यहाँ पे आप लिख लेंगे तो ज्यादा आपके साथ इजी रहेगा। टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट किसके साथ जाएगा, बुक के साथ, तो वो न्यू नोट मीनिंग हो जाएगा उसका। क्लास रूम, ठीक है। शू मेकर, शू मेकर, ठीक है। हैंड करशीफ, हैंड होता है आपका हैंड, हैंड करशीफ वो क्या होता है, रुमाल बन जाएगा, एक नया लफ्ज है, ठीक है। हैंड करशीफ, आई होप कि आपको इसको समझ आ रही होगी। डोर वे मीन्स के जहां से डोर वाला रास्ता होता है, डोर किसके साथ जाएगा, लास्ट वन के साथ, डोर वे। अगेन आपने टैली कर लें कि आपने सही लिखी है, हेयर पिन, पोस्ट कार्ड, टेक्स्ट बुक, क्लास रूम, शू मेकर, हैंडकरचीफ और डोरवे। ये टू वर्ड्स अपने अपने मीनिंग इनके सेपरेट हैं, जब दोनों को हम जॉइंट करके लिखते हैं ऐसे तो एक नया वर्ड बन जाता है। नाउ प्लीज कम ऑन पेज नंबर 10। हमने पढ़ा था नाउन्स के बारे में, नाउन्स क्या है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। किसी भी प्लेस थिंग नेम या नाउन उसका नेम क्या होता है जी, उसको बोलते हैं आप नाउन। ओके, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन।
अंडरलाइन ऑल द नाउन्स इन द फॉलोइंग, हमने नाउन देखना है, किसी भी प्लेस का नेम आ रहा है, किसी थिंग का आ रहा है, किसी मैन का आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नाउन। टाइनी थिम वॉज प्लेइंग, टाइनी जो है क्वालिटी या एडजेक्टिव है, तो थिम क्या हो जाएगा आपका नाउन है, थिम क्या आपका नाउन। थिम वॉज प्लेइंग इन द किचन, किचन भी आपका नाउन है, ये थिंग का नेम है। ही स्टूड ऑन अ चेयर, चेयर भी आपका नाउन है। नेक्स्ट टू द सिंक, सिंक आपकी चीज थिंग है, तो ये भी नाउन हुआ। वाटर भी नाउन है, वाटर वॉज कमिंग आउट ऑफ द टैप, टैप भी नाउन है। ही पुट हिज थंब अंडर द होल इन द टैप, टैप भी आपका नाउन है। द वाटर अगेन नाउन, वेंट ऑल ओवर द फ्लोर, फ्लोर अगेन नाउन। इट वेंट ऑल ओवर हिज हेड टू, कि वो उसके हेड तक चला गया, हेड भी वैसे नाउन में आ जाएगा, और आपका जो है थंब ये भी आ जाएगा। ग्रामर को पार्ट्स ऑफ बॉडी को ना भी ऐड करें कुछ नहीं होता, लेकिन इनको ऐड कर लें तो ये भी आपके लिविंग सॉरी नाउन्स में आते हैं। तो यही आपका होम टास्क होगा कि आपने पेज नंबर 9 और 10 का जो पार्ट सी है ये आपने करना है। तो ये इसी के मैं कल आपसे इंशाल्लाह फीडबैक लूंगी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।